अजीत सिंह जी, दूसरा हमारी पार्टी के जोनल सदर मुंशी आलमदीन साहब, हमारी पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सैयद मंजूर हुसैन शाह बुखारी साहब, स्टेज पे बैठे हुए मेरे साथी जो स्टेज पे हैं, साई खान साहब हैं, इकबाल फोकर साहब हैं, हमारे बुद्धन के ब्लॉक प्रेसिडेंट मुंशी खान जी हैं, डंडोत के मेरे साथी अजीज वानी साहब हैं, बुद्धन से इकबाल ठक्कर साहब हैं, मेरे गांव के सरपंच और मेरे बड़े भाई फजल चौहान साहब हैं, अनवर शाह साहब हैं, फारूक एडवोकेट साहब हैं, इस तरह बैठे हुए यूसुफ साहब हैं, अजीज साहब हैं, खलील साहब हैं, सूफी आलमदीन साहब हैं, राजा असलम खान साहब हैं, सरपंच चौधरी मीर हुसैन साहब हैं, और पर्टिकुलरली मेरे नौजवान, मेरे अजीज यूथ की टीम, ठाकुर सुरजीत सिंह जी, आरफ राठौर साहब, लियाकत साहब, नवाब मुख्तार साहब और तमाम मेरे साथी अनगिनत। मैं आज रात को 12 बजे ग्रुप में देख रहा था कि 12 बजे मेरे वो नौजवान साथी, इस पार्टी के सिपाही, वो रात को 12 बजे आपके लिए यहाँ कुर्सियां लगा रहे थे, मैट बिछा रहे थे, और इतना माइनस टेम्परेचर में मैं किस दिल से, किस जुबान से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूं कि हर दौर में आपने जो अपनी एक मोहब्बत, अपना प्यार हमें दिया। मैं इस वक्त बिलखसूस उन तमाम साथियों से, चाहे वो माल के नीचे से लोग आए हों, चाहे वो गुजर से आए हों, पीढ़ी नाला से आए हों, बहुत सारे साथियों को यहाँ बोलने का मौका नहीं मिला, मुझे पता मुझसे वो नाराज हैं, लेकिन मुझे ये भी एहसास है कि आप लोगों को यहाँ से चल के दूर दराज अपने गांव में वापस भी पहुंचना है, नमाज का वक्त है, पूरे घर से खाना खा के आए थे, अब शाम को शायद घर जाके खाना, लेकिन मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूँ। आज हमारे पास इख्तदार नहीं, आज हमारे पास कुर्सियां नहीं, आज शायद हमारे पास बांटने के लिए कुछ नहीं, ये ना होने के बावजूद आप इतनी बड़ी तादाद में यहां पे आए, मैं इसका आपका शुक्रिया अदा कितना भी करूं वो कम है। चाहता हूं कि पंचाल के अवाम को और अपने सीनियर साथी जुल्फकार साहब को, आज जो शुरुआत हुई है इससे मुझे पुख्ता यकीन हो गया है कि इंशाल्लाह जब कश्मीर के बाद यहाँ पर भी हमारी अपनी पूरी छाप होगी, और आप देखेंगे आते दिनों में चनाब खत चनाब में भी होंगे और जम्मू में भी हम लोगों के ऐसे ही जलसे आप देखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगली सरकार जो बनेगी वो अपनी पार्टी सर से। हम हमारी जिस वक्त हमने पार्टी बनाई उस वक्त हमने कहा हम दो रीजन्स को मिलाना चाहते हैं, हम न जम्मू को कश्मीर से लड़ाना चाहते हैं और न कश्मीर को जम्मू से। जब हम रीजन्स को मिलाना चाहते हैं, आपको लगता है कि हम आपस में एक ही कम्युनिटी को आपस में लड़वाएं, तो हमारा तो कतन भी ये नहीं है, मिले जो मिले सा, जो सब यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को फ़ायदा मिलना चाहिए, जिसको जो फ़ायदा कॉन्स्टिट्यूशन देगी, हम नहीं उस सियासत में यकीन रखते हैं जहाँ लोगों को लड़ाई। बहुत ही परेशान कुन सूरत हाल, हमारे नौजवान सड़कों पर हैं, आप देख रहे हैं रोज प्रदर्शन हो रहे हैं, जो हमारे डेली वेजर्स है 60,000, जो जिस जब 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 सरकार पुरानी गई थी, जब गवर्नर्स रूल यहाँ लगा था, तब कहा गया था बस कुछ ही दिनों में इनको परमानेंट करेंगे, जो कि पहली कैबिनेट ने किया भी था। अनएम्प्लॉयमेंट 45,000 खाली जगहें पड़ी हैं जो आज तक फिलअप नहीं हो रही हैं, नौजवानों को रोज़ हरासा किया जा रहा है, आप देखिए SIs का है या वो BSF CRPF की रिक्रूटमेंट का, हर एक विषय में कहीं डेवलपमेंट नज़र नहीं आ रही है। आपने देखा, आपने सुना भी होगा वहाँ कि जो चीज़ें 18 जून 2018 को रुक जहाँ पर थी वहीं पे हैं, तो क्या लगता है आपको जहाँ लोगों की आवाज़ कहीं कोई सुन ना सुने। सर होम मिनिस्टर के टूर के दौरान उन्होंने कहा था जम्मू कश्मीर पर पहले डिलिमिटेशन, फिर इलेक्शन और उसके बाद रियासत का दर्जा दिया जा सकता है, आपकी तरफ से भी रियासत के दर्जे पे बात की जा रही है,
सभी सियासी जमातें एक जबान होकर इसके खिलाफ पहले क्यों नहीं बोलती कि पहले रियासत का दर्जा दिया जाए उसके बाद इंतखाबात करवाए। देखिए हमें एक खुशी है कि आज जो बाकी जमातें बोलती हैं ये हमारा नैरेटिव है, ये हमने शुरुआत की, ये हमने कहा, वो तो कोई बात ही नहीं कर रहे थे। अगर आज वो भी बोल रहे हैं तो हमें पूरा यकीन है कि उन्होंने अपनी आवाज़ हमारी आवाज़ के साथ मिलाई है और हम इसका वेलकम करते हैं कि आज वो वही बात कह रहे हैं जो हमने 8 मार्च 2020 को की। इंशाल्लाह मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी एक अवामी सरकार है। वो तो मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जब ये चुनाव थे तो एक आम किसान जब वो वोट देने एक लाइन में खड़ा था तो उसको जो बीजेपी का कार्यकर्ता है वो उसको कहता है कि तुम हमें वोट दो हम महंगाई खत्म करेंगे, तुम हमें वोट दो हम बेरोजगारी खत्म करेंगे। लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो एक दिन वो जो जिम्मेदार आप गुजर कह लो पहाड़ी कह लो वो जब बाजार से गुजर रहा था तो वो जो लाला जो बीजेपी का वर्कर था वो उसको सामने नजर आ गया, उसने जूती निकाली उसके सर पे मारनी शुरू कर दी। तो मारता रहा तो जब वो थक गया वो चला गया तो दुकानदार उसको पूछते हैं कि ये तुझे जूतियां क्यों मार रहे। तो उसने कहा भैया जब वोट पड़ रहे थे ये लाइन में खड़ा था, मैंने कहा कि बीजेपी को वोट दे दो महंगाई दूर हो जाएगी बेरोजगारी दूर हो जाएगी, अगर नहीं दूर हुई तो तेरी जूती और मेरा सर। अब इसने मुझे जूतियां मारी है, महंगाई तो खत्म नहीं हुई बेरोजगारी तो खत्म नहीं हुई। तो मेरे दोस्तों साथियों भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पे ये बात सुनती है कि जब वोट की बारी आती है आप लोग अलग अलग चले जाते हो, आपको दूसरी पार्टियां आके गुमराह करती है। आप लोग एक हो जाओ, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आपकी डिग्निटी के लिए लड़ेगी, आपके हक के लिए लड़ेगी, इस रियासत को बहाल कराने के लिए लड़ेगी। ये जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी अल्लाह बुखारी साहब ने इसलिए बनाई है। इसलिए मेरे दोस्तों साथियों मैं ज्यादा ना बोलता हुआ मैं फिर आपसे कहूंगा कि आपको एक जबरदस्त नेता मिला है चौधरी जुल्फिकार के रूप में, जिनके एक पूरी फैमिली जो है वो राजनीति में रही है। आप सब लोग उनके साथ जुड़ जाइए, एक एक लोग उनके साथ जुड़ जाइए। आने वाला वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का है। जो लोग हमारे बारे में गुमराह करते हैं जो भी है कोई कुछ कहता है वो इसलिए कहते हैं उनको लगता है कि यही पार्टी सत्ता में आएगी और हम सत्ता में आएंगे आप लोगों के जो भी मुश्किलें हैं वो हम हल करने का प्रयास करेंगे।